मर भी जाऊंगी शायद तब भी कोई ना कोई एक बंदा तो पूछेगा मेरी कब्र पे कि अरे ये जावेद अख्तर की पोती की डेथ हो गई। मैम या उर्फी या उर्फी जी क्या हाल है? मस्त मस्त क्या हो मर देखा मैम लेफ्ट हाँ जी मैम लेफ्ट सामने यहाँ पर है रैम्बो स्लोली स्लोली पब्लिक की मान सामने भी देखिए रैम हो आप या लेफ्ट हम सामने देखिए सामने उर्मिया भैया आई वोर अ सिमिलर टॉप इफ यू गाइज रिमेंबर जिसपे बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी तो मैंने उसी टॉप पे एक साड़ी डाल ली दैट्स इट। और ये भी कहना चाहूंगा गिविंग अ बोल्ड स्टेटमेंट और यू नो हैविंग दिस काइंड ऑफ अ फैशन सेंस डज इट हेल्प आउट इन द लॉन्ग रन आपको लगता है? आई डोंट केयर इफ इट हेल्प्स आई हैव नेवर थॉट दैट वेज आई वेयर व्हाट आई वांट टू वेयर लाइक व्हाई डू यू ईट बिकॉज यू वांट टू लिव दिस इज हाउ आई एम आई डोंट रियली इतना सोचती होती ना मैं तो फिर तो प्लीज कहाँ ही होती। ओके सो टुडे यू हैव केम यू हैव ऑन अ फोटो शूट सो यू वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट इट? ये तो रोज ही करवाती हूँ मैं उसमें क्या हो गया आज का स्पेशल था कुछ नहीं ऐसी कोई थीम नहीं है मोस्टली इंडियन एंड साड़ीज आई एम डूइंग टुडे एंड रिसेंटली व्हेन यू वेंट टू एयरपोर्ट वेयर यू वोर द टी-शर्ट अलॉट जावेद अख्तर बंदा तो पूछेगा मेरी कब्र पे कि अरे ये जावेद अख्तर की पोती की डेथ हो गई सो there are a lot of dumb people in this world and I'm talking about the QE round to koi aisa koi question aaya tha jo aapne share nahi kiya par bahut weird tha you know how many people follow me you know how many questions I get you know how many of them are explicit maine shayad lakhon share nahi kiye hain because I can't it's not allowed on instagram और ये भी कहना चाहूंगा एक ट्रोलर ने शिकायत करने की बात की तो डू यू फेयर एनीथिंग इन लाइफ आपके पर्सनालिटी को देखकर लगता है कि डोंट फेयर एनीथिंग आपने फेयर क्या सैड लगता है आपको किसी ट्रोलर किस चीज से कोई शिकायत करे आपके इंडिया शिकायत मेरे अब्बा थोड़ी है कोई मेरी सास है क्या मुझे क्यों डर लगेगा रैंडम लोगों के कमेंट से इंस्टाग्राम में हो गए 1920s की सास हो गई भाई कोई ना कोई कुछ टॉन्ट करके चला ही जाता है डर क्यों लगेगा मुझे और क्या कुछ है पाइपलाइन में जैसे बात करो मैं पहले भी भूल चुका हूं बिसाइड बीइंग नॉट यार मैंने अपने काम वाम का नहीं बता दी जब आएगा तुम लोग देख लोगे अभी चार बातें बोल दूंगी कैंसिल हो जाएगा मेरी बेइज्जती होगी मैं कुछ नहीं बता रही जब जैसे जैसे आएगा आप देख लोगे बट यू वेयर द टॉकिंग पॉइंट ऑफ 2021 आई दैट्स गुड थिंग एंड आई होप टू बी द टॉकिंग व्हाटएवर ऑफ 2022 3 4 when till the time I'm alive and what kind of benchmark do you want to set I don't know man I'm just doing myself nothing and big boss has extended to yaar big boss ke questions koi nahi puchega bilkul bhi nahi I hate big boss yes I hate mujhe nahi bulaya na dobara main kyun unke free ki publicity karu mera ho gaya maine bahut publicity kar di aap pratik ko kafi support kar rahe the haan acha ladka hai wo और अभी बिग बॉस दो हफ्ते एक्सटेंड भी हो गया तो क्या लगता है आपको कौन जीतेगा अभी बहुत सारे शमिता शेट्टी के बारे में मैं अपना इलेक्शन तो बता नहीं पाई थी कि मैं एक हफ्ते में आउट हो जाऊंगी मैं कौन होती बताने वाली कौन जीतेगा मैं चाहूंगा भानुश बहुत बड़े स्टार इंडिया के उनका उनकी वाइफ का सेपरेशन हुआ है मतलब डाइवोर्स हुआ 18 साल के बाद और रामू जो है रामगोपाल वर्मा ने कहा कि मैरिज जो है आज के जमाने में ज्यादा दिखती नहीं है और इस चीज से सबक लेना चाहिए यंगस्टर्स को क्योंकि रिसेंटली देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल ओके फर्स्ट ऑफ ऑल मैरिज दिखती नहीं है बिकॉज़ वुमेन आर नॉट टेकिंग शिट फ्रॉम मेन ओके We are not ready to be in a domestic, abusive relationship. अगर दो लोग की नहीं बनती है, they should fucking move on instead of sticking together because society क्या बोलेगी? Who the fuck is Ram Gopal Verma to speak in between Dhanush and his wife? Whatever.
And do you think that was a nonsense comment? I just said that who the fuck is Ram Gopal Varma to speak on Dhanush and his wife. Would you like to add something about your upcoming project? अभी मैंने दो मिनट पहले बोला कि भाई जब मेरा प्रोजेक्ट आएगा आप देख लोगे. मैं नहीं बोलना चाहती, अब सेम क्वेश्चन रिपीट करो. चलो बाय बाय. थैंक यू. थैंक यू.